back to my channel Social Women. This is Suryansh Vashisht. आप सोच रहे होंगे ऐसे पीछे रंगीन लाइटें वाइटें लगा के दिवाली में एकदम होली वाला सिस्टम बना दिया है, तो ऐसा नहीं है। आज की जो वीडियो होने वाली है थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज को, जो आप लोग शायद गेस भी ना कर पाओ, मतलब टाइटल और थंबनेल मेरे ख्याल से देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आज क्या अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, क्या लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ा स्नीकर हेड हूँ। स्नीकर हेड उसको बोलते हैं जिसको स्नीकर्स कलेक्ट करना और पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं आज अनबॉक्स करूंगा एक जूते को। आपका तो कैमरा और टेक का चैनल है ना? हाँ, कैमरा और टेक का चैनल जरूर है, तो कैमरे का भी जादू मैं दिखाते रहूंगा आप लोग को इस चैनल पे। लेकिन ये जो जूता है इसमें टेक है, तो जूते में क्या टेक है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वजह से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इस जूते में क्या इतना इंटरेस्टिंग है जो जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी इस जूते के ऊपर। तो ये जूता इजीली अवेलेबल नहीं होता है, मैंने बहुत ज्यादा इसको ढूंढा और पता किया। जैसे मैंने इसको देखा था, नाइकी ने जब इसे रिलीज किया था, मेरी एक नजर में मेरे उस जूते से प्यार हो गया था। मैंने बहुत ज्यादा ढूंढ डांट के रिसर्च करके कहीं ना कहीं वेबसाइट से जुगाड़ करके इसको ऑर्डर करके मंगाया। तो आपको लग रहा होगा इस जूते में थोड़ा कुछ कलरफुल ऐसा जूता होगा, मतलब रंग बिरंगा जूता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस जूते के अंदर क्या है और इस जूते के अंदर क्या खास बात है। खास बात पहले आप जज करना और गेस करना कि जूते के अंदर क्या हो सकता है, ऐसा क्या अमेजिंग सा टेक है। वैसे मेरे ख्याल से टाइटल में कुछ ऐसा डालूंगा कि दिस शूज आप गेस कर लोगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं डालने वाला हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि जो जूता है इसको मैं यहाँ पर पहले भी मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन आपको जूते के मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ आप लोग के सामने इस जूते को। ये रहा वो जूता और मैं इसको निकालूं, ये है वो खूबसूरत सा प्यारा सा जूता। ये एक ब्लैक कलर का प्लेन सा जूता है, आप लोग को लग रहा होगा। इसके साथ मेरे को तीन लेसेस भी मिले हैं, येलो ब्लू और रेड। तो इस जूते के साथ क्या येलो ब्लू और रेड कलर के लेसेस जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन ऐसा क्या है खास इस जूते में, आप गेस करिए। हो सकता है आप गेस करेंगे कि वाटर प्रूफ है या फिर और क्या हो सकता है, लाइट वेट जलती हो कहीं से, ऐसा कुछ नहीं है जूते में। फटते ना हो जल्दी से, जल्दी फटते ना हो। हाँ, नाइकी के जूते अच्छे होते हैं, मैं काफी नाइकी का अच्छा दीवाना हूँ, फैन हूँ। इसके अंदर का जो सोल है वो आप देखिए किस कलर का है, मतलब ये नॉर्मल ऐसे जूते का जो सोल होता है वैसा नहीं है, ऐसा कुछ कलर का है। आपको अब थोड़ा हो सकता है हिंट मिल जाए कि जूते में क्या ऐसा खास है जिसमें जो सोल है वो कुछ इस कलर का दिया हुआ है। तो अब आप लोग अगर आप गेस कर पाए अभी तक तो वेरी गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए हैं तो मैं आपको दिखा दूं जूते की खास बात क्या है। इस जूते को मैंने एक नजर में क्यों ऐसा, मेरे को ऐसे कोई जूते पसंद नहीं है जो ऐसे नॉर्मल से ऐसे रहते हैं, मेरे को हाई टॉप्स पसंद है, जो हाई एंकल जो प्रॉपर स्नीकर्स होते हैं वो पसंद है। लेकिन इस जूते को देखने के बाद मेरे को एक मतलब एक नजर में प्यार जिसको बोलते हैं वो हो गया था। और मैं ऐसी टेक्नोलॉजी नाइकी के एयर जॉर्डन मंच में भी एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर वो ऐसी कोई जूते निकालेंगे तो मैं सबसे पहला आदमी हूँ उस जूते खरीदने के लिए, अगर मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो। तो आपको मैं जादू दिखाता हूँ इस जूते के लिए। मेरे पास यहाँ पर एक है, एक हीटर है जो ठंडी में हम लोग अपने कमरे में गर्म करने के लिए रखते हैं। मैं हेयर ड्रायर अभी नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज करता है वो, और है भी नहीं हमारे पास, तो इसको ऑन करता हूँ मैं। और इस जूते के सामने अगर मैं इसको ले आऊंगा तो देखते ही देखते थोड़ी ही देर में आप लोग के सामने ये जूता अपना कलर चेंज कर रहा है। ये देखिए, ये जूता पहले ऐसा था और अभी जूता ऐसा हो गया है। अभी मैं आपको ये पूरा लाइट में अच्छे से करके दिखाऊंगा, अभी तो रंग बिरंगी लाइटें मैंने जला रखी हैं जूते को दिखाने के लिए। तो अभी मैं इसका जो प्रॉपर एक अभी बी रोल डालूंगा इस वीडियो के पहले या बाद में, आपने पहले देखा होगा, नहीं बाद में डालूंगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्या है इसमें। तो इस जूते को मैं अगर धूप में पहन के जाता हूँ बाहर, ये इसके अंदर थर्मोलॉजी एक टेक है जिसकी वजह से ये जूता हीट पाते ही अपना कलर चेंज करने लगता है। जैसे कि कमेलियन क्या बोलते हैं उसको, गिरगिट, जैसे गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, वैसे गिरगिट वाले जूते नहीं है। इसको आप जैसे इसमें धूप आएगी या थोड़ा हीट होगा ये जूता, तो अपने आप अपने जूते का कलर चेंज हो जाता है धीरे धीरे, जब ये नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे आता है लेके वापस ब्लैक होने लगा। तो ये है इस जूते की खास बात। और इसके साथ ऐसे ये अलग अलग ये अब जाएंगे मेरे ख्याल से, ये सारे जितने भी लेसेस दिए हुए हैं, और मैं ये लेसेस और भी जूतों में यूज कर सकता हूँ। मेरे पास और भी जूते हैं जिसकी मैं लेसेस सोच रहा था मैं दूसरी लेने के लिए, तो मैं ये लेसेस भी उसमें यूज कर सकता हूँ।
और आगे भी मैं अपने चैनल पे अपनी स्नीकर कलेक्शन की भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग को पसंद है मतलब ऐसी वीडियो देखना तो आप जरूर नीचे कमेंट करना और बताना मुझे कि मैं ऐसी वीडियोस आगे बनाऊं। और ऐसे मतलब आगे मैं व्लॉग्स भी करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं एक अपडेट है चैनल के लिए, मैं एक लेंस खरीदने वाला हूं, लेंस खरीदने के बाद मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूंगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होंगे मेरे, मैं ऐसा बोल रहा हूं आप लोग के लिए भी, हो सकता हो। तो आप लोग को कैसा लगा ये जूता कमेंट करके बताना। अगर आपको जूता पसंद नहीं आया तो मेरे को नया जूता गिफ्ट कर देना, और आपको पसंद आया हो तो लाइक करना इस वीडियो को। मेरे जूते का साइज 11 है और आपको डिटेल और चीजें होगी तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं अपना घर का एड्रेस वगैरह भी भेज दूंगा, आप मेरे को जूते भेजते रहो कोई दिक्कत नहीं। और थैंक यू, इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय।